हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक में वैकेंसीज अभी डिक्लेयर हुई हैं, तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल बन के फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं 2018 के लिए। तो कुछ लोगों के डाउट्स भी हैं इस एग्जाम को लेकर कि कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर है और कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक शानदार कोट से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो उठो, जागो और मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी की कथन है। तो मतलब ये है कि आपको स्टार्ट दे देना है और तब तक रुकना नहीं है जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो एक प्राइमरी गोल बना के चलो और आगे बढ़ते रहो। तो चलो इसी के साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं कि कितनी है। ऑफिस असिस्टेंट जो है इसमें 5,249 हैं और जो ऑफिसर स्केल बन है इसमें है 3,312 है। ओके, इसके लिए तो मैक्सिमम जो आप लोग हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। ओके, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो है स्केल 2 और स्केल 3 में। ओके, इसमें वैकेंसी जो है ये लगभग आप देख लो लगभग ये 1600 के आसपास में है, तो टोटल जो है सारी हो जाती है 10,000। और एक चीज़ ध्यान रख लेना कि कुछ लोगों ने जो वैकेंसी वाला टेबल देखा है उसमें NR लिखा हुआ आ रहा है कहीं पर, तो NR का मतलब है कि वो रिस्पेक्टिव RRB जो है उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, नॉट रिपोर्टेड। NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड। और कई जगह पर वैकेंसी 0 है, इसका मतलब वहां पर कोई वैकेंसी उस रीजन में नहीं है। तो आप लोग एक चीज का ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी प्रोफिशिएंसी है, ओके, जो आपको लोकल लैंग्वेज आती है, तो आप देख लेना कि उस लैंग्वेज से रिलेटेड जिस जिस जगह पर वैकेंसीज हैं आप वहां पर फॉर्म भर सकते हो। ओके, कुछ लोगों ने कहा वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन में 0 वैकेंसीज हैं, तो उसमें टेंशन मत लो। अगर आपको वो उस तरीके की कोई लैंग्वेज आती है जो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है, तो आप उस रीजन के लिए जो है अपनी बैंक को चूज कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम। इसके बाद सेकंड चीज देख लो कि डेट क्या है भैया। ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो जो फॉर्म भरने का है वो है 8/6/2018 से स्टार्ट हो जाएगा और 2/7/2018 तक रहेगा। इस दौरान आपको फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया और आपने फिर पेमेंट भी कर दिया तो आप किसी भी चीज को मॉडिफाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। मतलब कि फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट तब तक मत करना जब तक आप श्योर ना हो जाए कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो आप पेमेंट कर दो, लेकिन कोई मॉडिफिकेशन बाद में नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रीलिम्स जो है उसके कॉल लेटर हैं, इसके लिए डेट इन्होंने दे रखी है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का ऑफिसर स्केल बन का 11/8/2018 से होगा और 12/8/2018 ये डेट डिफरेंट डिफरेंट दी है। ऑफिस असिस्टेंट जो क्लेरिकल लेवल है, एक चीज मैं और बता दूं कि जो ऑफिस असिस्टेंट है वो है आपका क्लेरिकल लेवल और जो ऑफिसर स्केल बन है, ओके, ये आपका PO लेवल का है। मतलब कि ये मैनेजर लेवल की पोस्ट है और ये क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब एक चीज और ध्यान रख लो कि फाइनल सिलेक्शन कब होगा। अगर आप का जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए इन्होंने डेट दी है कि जनवरी में 2019 में आपका फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। IBPS के जो और हैं PO क्लर्क हैं वो आपके अप्रैल में आते हैं, लेकिन RRB जो है वो आपका जनवरी में दे देता है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। और मेंस के लिए भी इन्होंने डेट रखी है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो हम जल्दी निकाल देंगे, सितंबर में आ जाएगा। इसके बाद में जो ऑनलाइन है मेंस वो केवल एक दिन का सिंगल एग्जाम है, 30/9 को रखा जाएगा ऑफिसर का और ऑफिस असिस्टेंट का 7/10/2018 को। तो ये तो पूरा प्रोसीजर हो गया। ठीक है, और जो इंटरव्यू है वो केवल ऑफिसर स्केल वन में होगा, क्लेरिकल लेवल में कोई इंटरव्यू नहीं। इसका मतलब ऑफिस असिस्टेंट में नो इंटरव्यू, स्केल वन है और बाकी फर्दर है उसमें आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू जो है ऑफिस असिस्टेंट में नहीं होगा और इसमें होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है भैया, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप अपीयरिंग है, आपका रिजल्ट नहीं आया, आप अपने लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं, अगर आप अपना रिजल्ट 2/7/2018 तक दिखा देते हो कि आपका इस तारीख तक या इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब तो आप इस फॉर्म को भर दो बेहिचक, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका रिजल्ट अगर 2/7/2018 के बाद आता है तब प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब क्राइटेरिया देख लो, ऑफिस असिस्टेंट अगर क्लर्क वाला भर रहे हो तो इसमें बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन से, क्या आपने BA कराओ, BCom कराओ, डजेंट मैटर। और कंप्यूटर, गौतम ने क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब पर हमसे कि क्या सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है RRB PO के लिए। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इन्होंने और ये स्केल वन में यहाँ मेंशन किया है कि प्रोफिशिएंसी, ये यहाँ पर देखिए डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास में है वेल एंड गुड, नहीं है तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों के लिए।
दोनों में आप अगर ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सीधा सीधा सा ये फॉर्मूला है ओके। और ऑफिसर स्केल वन में और भी स्ट्रीम्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, अगर इनसे बीएससी किया आपने तब आप इसको भर दो ठीक है। लोकल लैंग्वेज दोनों में है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज जो है ये होनी चाहिए। अब आप जैसे यूपी में भर रहे हो तो अगर वो बैंक हिंदी में है तो आपको हिंदी में लोकल प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, गुजरात में अगर भरने जाओ तो गुजराती आनी चाहिए, ये चीज़ें हैं ओके। और बाकी सब कुछ सेम है। एक चीज़ ध्यान और रखना कि आप दोनों फॉर्म भर सकते हो, अगर कोई एक सिंगल कैंडिडेट है ओके तो वो क्या कर सकता है, इसको भी भरेगा इसको भी भरेगा, दोनों फॉर्म भर सकता है। इसके लिए 600 उसको पे करने पड़ेंगे, इसके लिए भी 600 करने पड़ेंगे ठीक है। क्लर्क पीओ दोनों भरो, दोनों के प्रीलिम्स होंगे अलग अलग और दोनों के मेंस आपको देने होंगे ठीक है। ये तो हो गया सिस्टम। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं, कितना भी परसेंटेज हो आपका, 33% हो तब भी भर लो। अब परसेंटेज फिल कैसे करना, अगर आपका 59.99 है तो इसको 60% अप्रॉक्स मत कर देना, इतना ही रखना जितना दिया गया है ओके। बाकी ओवरऑल ये चीजें हैं ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एज का फैक्टर देख लो। जो ऑफिसर स्केल बन है, सबसे पहले हम ऑफिस असिस्टेंट से बात करते हैं, तो 18 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसका मतलब यह है 2/6/1990 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो और 1/6/2000 के बाद ना होनी चाहिए ठीक है। और जो ऑफिसर स्केल बन है इसमें 30 साल से कम होनी चाहिए, 18 से 30 साल। और क्राइटेरिया दे रखा है कि 3/6/1988 से पहले और 31/5/2000 के बाद का नहीं होना चाहिए ठीक है। बाकी ये देख लो ऑफिसर स्केल 2, इसमें एक्सपीरियंस है, इसमें भी एक्सपीरियंस है, इसलिए 32 और 40 यहाँ दे रखी है। लेकिन मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो आप लोग इन्हीं दोनों में आओगे, ऑफिसर स्किल बन और ये जो क्लेरिकल मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट है ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, जो 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 है रिजर्वेशन में आएंगे, एससी एसटी 5 साल और ओबीसी 3 साल, और जो ऐसे पर्सन जो डिसेबिलिटी में आते हैं ठीक है उसके लिए उनके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, तो इसमें 10 ईयर्स लिखा है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो इसमें 10 साल का है ठीक है, जो विकलांग है। और एक्स सर्विसमैन इनके लिए लिख रखा है इन्होंने ठीक है, प्लस 3 ईयर्स 8 ईयर्स ऑफ डिसेबल ठीक है। ये सब आप पढ़ लो अगर आप इस सेक्शन में आ रहे हो, बाकी आसान है, कोई इश्यू यहाँ पर नहीं होगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम का मोड कैसा है, कैसे एग्जाम लिया जाता है। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रख लो कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है और आपने पीओ मतलब स्केल बन और ऑफिस असिस्टेंट इन दोनों के लिए अप्लाई किया है तो दोनों का प्रीलिम्स जो है वो अलग अलग होगा और प्रीलिम्स कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब दोनों का प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, मेरा ये कहने का मतलब है मल्टीपर्पज और स्केल बन का। रीजनिंग आएगी और आपका मैथ्स आएगा, इसके अलावा इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती इसमें, दोनों पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का ये पेपर होता है, ये चीज़ ध्यान रख लो। और 45 मिनट का टाइम आपके लिए यहाँ पर दिया जाता है ठीक है। प्रीलिम्स जो है ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई कर लोगे। इसके बाद देखो कट ऑफ जो है वो बिल्कुल मैं अलग बताने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद मैं कट ऑफ लाऊंगा। अगर आपको कट ऑफ देखनी है, समझनी है क्या कैसे सिलेक्शन है, क्या फाइनल स्कोर बनता है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, तभी मैं कट ऑफ का वीडियो दोस्तों रिसर्च करके तैयार करूंगा आपके लिए ओके। तो कट ऑफ होती है, सेक्शनल भी होती है, ओवरऑल भी होती है। उसके बाद आपका जो लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे उनके बाद उसका मेंस होगा। तो देखो मेंस भी मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल बन दोनों के लिए सेम एग्जाम होता है, लेकिन अलग अलग देना होगा। मल्टीपर्पज का यही एग्जाम होगा, ऑफिसर स्केल बन का भी आपको जाकर देना होगा। तो इसमें रीजनिंग है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। और या तो आप एग्जाम में इंग्लिश में पेपर दे दो अपना इंग्लिश वाला सेक्शन, या फिर आप इंग्लिश वाला सेक्शन जो है ना देकर आप हिंदी दे लो, तो उसमें हिंदी व्याकरण आएगा, उसमें आपसे गद्य पूछाएगा, लोकोक्तियाँ आएंगी, मुहावरे आएंगे ठीक है, और पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका सिलेबस मैं दे चुका हूँ, आप सीधा सीधा सर्च कर लो RRB सिलेबस इन हिंदी, आप गूगल पे जाकर सर्च करो RRB सिलेबस, RRB PO सिलेबस इन हिंदी, तो आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं, अब टाइम देखो बहुत है, तो हिंदी में कुछ मैं वीडियोस ग्रामर की आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊं जो हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर पाए। तो ऐसा मेरा मानना है कि दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस जरूर दूंगा। और कंप्यूटर जो है वो आपकी 40 नंबर की आती है, 40 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के आते हैं, तो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर हो गया, और आपका जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 2 घंटे का टाइम, 60 मिनट मिलेगा, और यही आपका पूरा ओवरऑल
प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। और निगेटिव मार्किंग है 1/4 है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है सही कर दिया तो पूरा +1 ले जाओ, अगर इसी को गलत कर दिया तो 0.25 आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ भी हो गई क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। तो देखो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज सीधी सीधी शब्दों में इन्होंने मेंशन किया है, फॉर रिक्रूटमेंट इन ऑफिसर स्किल एंड ऑफिस असिस्टेंट प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब जरूरी है, उसकी मान्यता है, अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं पास कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन बेकार है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, ये चीज़ें सीधी सी कहने वाली है। इसमें लिखा है कैंडिडेट्स ऐसे छात्र जो ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ रखा है इंग्लिश ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th, अगर 8वीं कक्षा में उन्होंने वो अपना लैंग्वेज पढ़ रखा है और एनी लेवल एबव 8 से ऊपर चाहे 9th में चाहे 10th में 11th में 12th में तो बोर्ड में, ठीक है, तो उनकी जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है वो कंसीडर्ड कर ली जाएगी। तो रीना रावत का एक क्वेश्चन है कि सर मैं चंडीगढ़ से हूँ और आरआरबी में चंडीगढ़ के लिए पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन मैंने 10 में हिंदी ले ली थी, बाकी मैंने 1 से 8 तक पंजाबी पढ़ी है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ इस आरआरबी का? मुझे पंजाबी बोलनी लिखनी समझनी आती है। तो बिल्कुल रीना जी, आप इस फॉर्म को भर सकती हैं और आपको बिल्कुल एलिजिबल हैं आप इसके लिए। तो क्राइटेरिया क्या है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, जैसे हिंदी बोलना आना चाहिए, और राइटिंग आनी चाहिए, और स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो वो इन तीनों चीज़ों को आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसके अलावा और भी आपके क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और अपने क्वेश्चंस एक एक करके पूछो। अगर आपके डाउट्स बिल्कुल जेन्युइन होंगे, नहीं मिल रहे होंगे, तो मैं उनको एक सेपरेट वीडियो में डाउट सेशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट इस तरह से मैं बना दूंगा और कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। थोड़ा सा टाइम लो, क्वेश्चंस पूछो यार, और आगे इस वीडियो को शेयर भी करो। ओके, और यहां पर हम लोग आरआरबी की बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं, अपकमिंग डेज में हम लोग बनाएंगे, और पूरा एनालिसिस एग्जाम का रिव्यू कैसा होता है, कैसे एग्जाम को मॉनिटर करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक्स चाहिए, सारी चीजें बताएंगे। आप लोग क्यूरी पूछो, जो जो चीज चाहिए वो हम आपको प्रॉपर यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करो, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको मेहनत मेरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को यार जरूर लाइक करो, शेयर कर दो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर एक वीडियो अब तक आता रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।